बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टेट टाइम यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स। उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली आप तक पहुँच सके। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 में आप लोगों को फर्स्ट इंड्यूस्ड EMF, सेकेंड इंड्यूस्ड EMF और मैग्नेटिक फील्ड दे दी गई है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपने फाइंड करनी है। फार्मूला पुट करेंगे, साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, VL से कैंसिल हो जाएगा, और जो आप लोगों के पास बाकी बचेगा इसमें आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है, और आप लोगों के पास टेस्ला में आंसर आ जाएगा। 15.2 है, फ्लक्स डेंसिटी दी हुई है, लेंथ ऑफ वायर दी हुई है, थीटा दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, और आपने इंड्यूस्ड EMF फाइंड करनी है। इस पर भी इजी सा फार्मूला है जो आप लोगों ने पुट करना है और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। उसके बाद 3 में आप लोगों को नंबर ऑफ लूप्स दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, B1 B2 दिया हुआ है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और टाइम इंटरवल दिया हुआ है। इंड्यूस्ड EMF फाइंड करनी है। इधर भी आप लोग ये फार्मूला लगाएंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 15.4 में नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, एंगल बिटवीन प्लेन कोयल दिया हुआ है, एंगल बिटवीन द एरिया ऑफ कोयल एंड बी, टाइम इंटरवल, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड EMF फाइंड करनी है आपने। अगेन वही फार्मूला यूज़ होगा, जहाँ पे कटिंग हो रही है वहाँ पे कटिंग कर देनी है हमने, और आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। 15.5 में आप लोगों के पास EMF प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कोयल, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कोयल M, आप लोगों ने फार्मूला पुट करना है, और ये आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस पर इंक्लूड नहीं है लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फार्मूला पुट करेंगे तो ईजिली आप लोगों के पास आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। 15.6 है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दी हुई है, चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कोयल, टाइम दिया हुआ है, और आप लोगों का नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं। एवरेज इंड्यूस्ड EMF आपने फाइंड करनी है, चेंज ऑफ फ्लक्स फाइंड आउट करना है, और आप लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स है, सेल्फ इंडक्टेंस है, करंट है आप लोगों के पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, और इंड्यूस्ड EMF आपने फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला करेंगे आप लोगों को, लेंथ दी हुई है, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज आप लोगों को एल फाइंड करनी है, यानी सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करनी है। उसके बाद 15.9 में गिवन डाटा आप लोगों को ये दिया हुआ है, और आप लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस और इंक्रीज इन एनर्जी फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला पुट करेंगे तो इजीली आ जाएगा आंसर। 15.10 में आप लोगों ने मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन स्पेस ये फाइंड आउट करनी है, आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। 15.11 भी स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। 15.12 है, इधर भी आपको नंबर ऑफ टर्न, स्ट्रेंथ और पीक वैल्यू ऑफ EMF, विड्थ ऑफ कोयल दी हुई है, लेंथ ऑफ कोयल आपने फाइंड आउट करनी है, ये भी बहुत ईजी है। 13 न्यूमेरिकल जो है ये आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। इसमें मैक्सिमम EMF, फ्रीक्वेंसी, एरिया और नंबर ऑफ टर्न दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला पुट करेंगे तो आप लोगों को आंसर आ जाएगा। 15.14 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोगों ने देख लेना है, ईजी भी बहुत है। 15 न्यूमेरिकल जो है ये फिर आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, और 16th वाला वो भी आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। 17 न्यूमेरिकल में आपको नंबर ऑफ टर्न, एरिया, B1, टाइम, डेल्टा बी दिया हुआ है, इंड्यूस्ड EMF फाइंड करनी है, अभी आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, और 18 वाला न्यूमेरिकल भी आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। होप तो आप लोगों को आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी ये वीडियो। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।